क्या हुआ कि जब वो थोड़े से बड़े हो गए तो उनका नाम रखने का समय आ गया। तो मोर का नाम रखा गया नीलकंठ और मोरनी का नाम रखा गया राधा, क्योंकि वह हमेशा उसके साथ ही रहती थी, इसलिए उसका नाम राधा रखा गया। अब उसके बाद जब उस समय के बाद उनको जब बाहर निकाला गया तो सारे के सारे लोग मोर की सुंदरता को देख करके आश्चर्यचकित रहने लगे। उसकी जितनी भाव भंगिमाएँ थीं उसको आकर्षित करती थी। नीलकंठ की भाव भंगिमाएँ लेखिका को आकर्षित करती, उसका गर्दन ऊंची करके देखना, विशेष भंगिमा के साथ अपनी गर्दन को नीचे करके दाना चुनना, पानी पीना, टेढ़ी गर्दन करके शब्द सुनना, लेखिका और मेहमानों के स्वागत के लिए अपने पंखों को फैला करके एक सुंदर सा गोल चक्र सा बना देना, वर्षा की नृत्य में नृत्य करना आदि, सभी कुछ बड़ा ही मनमोहक, मन को मोहने वाला, आकर्षित करने वाला लगता। जितने भी जीव जंतु लेखिका के घर में रहते थे सारे के सारे नीलकंठ को अपना संरक्षक व सेनापति मानते थे, क्योंकि वो बहुत बड़ा लगने लगा तो सारे के सारे सोचते कि ये हमारा संरक्षक है, इसलिए हमारा सेनापति है, सेनापति जो सेना में सबसे आगे चलता है। सबको दाना खिलाने से ले जाता, किसी को कुछ भी जब कोई पक्षी कुछ गड़बड़ करता तो उसकी चोंच से प्रहार करके दंड देता कि नहीं देखो तुम इधर गलत जा रहे हो, ये मत करना। वह अपने बहुत सारे पंखों को फैलाकर घना फैलाकर सघन फैलाकर घना फैलाकर बैठ जाता और अपनी लंबी सी पूंछ और पे पंखों में छुपा छुअव्वल का खेल खेलता। मतलब बहुत सारे जो छोटे छोटे पक्षी थे वो उसके लंबे से मोर पंखों में छिप जाते थे और उस समय वो छुपा छुअल का आंख मिचौनी का खेल खेलते। एक बार क्या हुआ, एक सांप न जाने कहां से जाली के भीतर आ गया और छोटा सा खरगोश का बच्चा उसकी पकड़ में आ गया। अचानक से क्या हुआ, नीलकंठ ने उस पर वार करके खरगोश के छोटे से बच्चे को बचाया। राधा ने जब तक दूसरे जीव जंतुओं को सूचित किया तब तक तो नीलकंठ सांप के दो खंड कर चुका था। मतलब वो जो नीलकंठ था, जो मोर था, वो तब तक सांप के दो टुकड़े कर चुका था जब तक राधा दूसरे जीव जंतुओं को पक्षियों को बुलाने गई थी। फिर अब धीरे धीरे क्या हुआ, वसंत ऋतु आ गई। वसंत ऋतु कब जाती है, जब सर्दी का मौसम जाता है और गर्मी का मौसम आता होता है, मतलब ना अधिक सर्दी होती है और ना ही गर्मी होती है। आम के वृक्ष फूलों से लद गए, अशोक के जो पेड़ थे उसमें भी लाल लाल नए पत्ते आ गए, पल्लवित हो गए, आ गए नए पत्ते आ गए। नीलकंठ जाली घर में बंद ना रह पाता तो उसे बाहर ही छोड़ना पड़ता। जो नीलकंठ था वो जालीदार घर में बंद नहीं रह पाता था क्योंकि उसके लिए वो घर छोटा लग रहा था और उसको बंद घर में अच्छा भी नहीं लगता था। तब क्या हुआ, नीलकंठ और राधा की प्रिय ऋतु थी वर्षा। मेघों के आने, बादल के आने के पहले ही आपने भी सुना होगा, जब बादल आने वाले होते हैं तो मोर बोलने की आवाज़ आने लगती है। जब आ गई और तभी उसने, मोर ने अपने पंख को फैला करके नृत्य करना शुरू कर दिया। बच्चों आपने भी तो देखा होगा मोर को नृत्य करते हुए, तो जैसे जैसे मोर नृत्य करता, बारिश भी होती जा रही थी, जैसे जैसे जितनी तेज बादल गरजते उतनी तेज मोर बोल बोल के नृत्य करता जा रहा था। बिजली चमकती, बूंदों की रिमझिम, ताल पर वो नृत्य कर रहा। नीलकंठ के नृत्य का वेग, मतलब उतनी ही तेजी के साथ वह नृत्य करता जा रहा था। तभी क्या हुआ, राधा जो थी, मोरनी जो थी, वह नाच नहीं पाती क्योंकि मोर ही नाचता है और
तब उसको वो देखती और इधर उधर वो जा करके उसके चारों तरफ चक्कर काटती और अपने भी परिचय देती कि मैं भी मोर के साथ नृत्य कर रही हूँ। अब क्या हुआ, एक दिन किसी काम से जो लेखिका थी वो बड़ी मियाँ के कार के पास चली गई। मियाँ ने कार को रोक लिया। उन्हें एक मोरनी दिखाई जिसके पंजों की उंगलियां टूट गई थी। उन्होंने बताया कि चिड़ी मार ने ऐसा किया है। अब जब उन्होंने